गुड मॉर्निंग लिटिल हेरिटेरियंस, होप यू ऑल आर फाइन। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, मैथ्स पार्क ग्रेड टू। स्टूडेंट्स प्लीज ओपन दिस बुक नाउ। ओपन बुक पेज नंबर 100। स्टूडेंट्स प्लीज ओपन बुक पेज नंबर 100। बच्चे हम इसमें चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने चैप्टर 6 शेप्स। ओके, हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले शेप्स में क्या आ जाते हैं? लाइन्स आती हैं। ओके, शेप्स में सबसे पहले क्या आती हैं? लाइन्स, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स। ओके, स्ट्रेट और लाइन होती है, एक कर्व लाइन होती है। टू टाइप्स की लाइन्स होती हैं जो हम ऐसे लाइन लगाते हैं, वो एक तो स्ट्रेट होती है और एक कर्व्ड होती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाई मूविंग अ पेंसिल अलॉन्ग द एज ऑफ अ बुक और अ स्केल। बच्चे जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हम ड्रॉ करते हैं जब पेंसिल मूव करती है। ओके, या तो हम बुक की एज से, बुक की हेल्प से उसकी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, या फिर हम स्केल से लगाते हैं। ओके, तो हमारी जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल क्या होती है? सीधी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कर्व्ड लाइन्स। कर्व्ड लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाय मूविंग द पेंसिल फ्री हैंड। जो हम फ्री हैंड पेंसिल मूव करते हैं लाइक दिस, दिस इज कर्व्ड लाइन्स। ओके, नाउ जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी लाइन्स होती हैं, और जो कर्व्ड लाइन होती है वो हम फ्री हैंड से कैसे भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कितनी टाइप्स हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हॉरिजेंटल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स एंड स्लैंटिंग लाइन्स। ये तीनों टाइप की अगर हमारे पास लाइन्स आ जाएं तो हम इनको तीनों को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन में इसको हम स्लीपिंग लाइन्स भी बोलते हैं। हम नर्सरी क्लास में करते हैं ना, जब ऐसे लाइन लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन्स। इसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलती हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो इसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या है? स्लैंटिंग लाइन्स। ओके, ये हमने तीनों लाइन्स नर्सरी में भी की हैं। ओके, नाउ तब हम बच्चे इसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन्स बोलते थे, लेकिन अब आपने इसको वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजेंटल लाइन्स एंड स्लैंटिंग लाइन्स बोलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चे आपने एक ड्रॉ करना है, एक येच ड्रॉ करना है ओनली स्ट्रेट लाइन यूज करके, जैसे मैंने ड्रॉ किया ऐसे ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करना है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, यूज अ स्ट्रेट लाइन टू मैच ईच एनिमल विद इट्स फूड। आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है। ओके, स्केल का यूज करना है, जैसे ऐसे स्केल रखना है आपने, स्केल रख के फिर आपने पेंसिल से लाइन लगानी है। आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूज कर्व लाइन्स टू मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपने स्केल नहीं रखना, आपने जस्ट आपने ऐसे फ्री हैंड से कर्व लाइन ज्वाइन करनी है। ओके, ये हमारी कर्व लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।